इस वेले मजीठी हल्के सब तो पेचीदा मसला जिहड़ा कि लोगों का ध्यान अपने वाल खिंचदा है वह रोमाणा की धरती उत्ते गुरद्वारा फरमान साहब और बीबी प्रभजीत कौर दरम्यान एक जमीनी विवाद चल रहा है, वह झगड़ा है। उस जगह पर जाके वेख्या तो बीबी ने इल्जाम लाए ने कि वह जगह जी साड़ी है, साड़ी खानदानी पुरानी जगह है, उस जगह पर असी काबज हुंदे सी ते इस गुरद्वारा दे सेवादारा वालों धक्के उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। जदों उस जगह पर जाके पत्रकारों की टीम ने देखा तो मामला कुछ होर ही निकलिया। उत्थे सारियां तरह के पक्ष जाने गए, बीबी का पक्ष जाणिया तो बीबी जी बाबा पंकज नाथ जी वाल्मीकि समाज वाले महापुरश जी उन्होंने इल्जाम लाया कि यह जगह संतां ने धक्के सांभी है। जदों संतां को पुछया गया तो संतां ने कहा कि जमीन के कागज जो बोलते उसनों दे दो, सानू किसी ते कोई इतराज़ नहीं आ। तो कुछ रोमाणे के महापुरशों नाल भी संपर्क किया गया, मोहतबरां दे नाल संपर्क किया गया, उन्होंने कहा कि यह जगह जिहड़ी है वह साडे पिंड दे कदे कब्रस्तान होया करदा सी, मड़ियां होया करदियां सी। तो फिर पिंड दे लोगों ने सलाह करके कहा कि चंगी गल नहीं आ कि यह मजबी सिंघां दीआं मड़ियां, ये जट्टां दीआं मड़ियां, ये तरखाणां दीआं मड़ियां। पिंड दे लोगों ने मिल मिला के सारे नाल सलाह करके पिंड दीआं मड़ियां एक थां कर दित्तियां ते ये जिहड़ी मड़ियां वाली जगह सी ये गुरद्वारे नूं दान दे विच दे दित्ती। तो आओ वेखदे आं बीबी की इल्जाम लाउंदी आ इन्हां संतां महापुरशां ते। बेनती है कि पूरा सच जानने लई खबर नूं पूरा देखो अते नाल दी नाल दूसरी बेनती है कि चैनल नूं सबसक्राइब अते शेयर करना ना भुल्लो। नाम प्रभजीत। केड़ा पिंड है? जिजियाणे। की मामला सारा? मामला ये है भी इन्हां ने साडी निशानदेही होई सी 15 च ते इन्हां ने साडी धक्के नाल कणक वढ के 19/2/2022 दे विच इलैक्शन ते एक दिन पहला इन्हां रात कणक वढ के रात 12:30 बजे इन्हां कंध कर ली आ, साडी कणक वढ दित्ती हरी इन्हां ने ते साडी 15 विच निशानदेही होई। साडा इन्हां नाल कोई नहीं सी हैगा ते बाकी इन्हां ने साडे नाल बहुत धक्केशाही कीती आ। बाबा ठाकर सिंह, बीबी बलविंदर कौर, बाबा अनोख सिंह इहदी पत्नी आ ते बाकी जो रोमाणिया दे 3 जणे सुखविंदर सिंह ते हैप्पी ते संदीप सिंह ते उहदा पुत्र उहना प्यो उहनां दा नाम सुखदेव सिंह आ ते इह साडे नाल धक्केशाही इह ते निक्के कोटले दा धर्म सिंह दा मुंडा इक सुखविंदर सिंह इह नाल हो के सारे होर 15-20 जणे नजायज़ हथियार उहनां कोल नजायज़ सब कुछ उहनां दे कोल ये साढ़े ना धक्केशाही कर डे आ, ये साढ़े ना बहुत चिर तो धक्केशाही करते हैं। तो जो अं जाने ये बीबिया भी इन्हों अंदर सुट लो तो ये बबे हुणी इहो इन्हों मत देंदे आ इन्हों अंदर सुट लो, अंदर सुट के तो इन्हों तुम मार दो भावें बेशक बाद चाहू सद लियो तो साढ़े ना इतना धक्केशाही। तो अं पुलिस के 112 तो ही कॉलां कीतियां वा तो फिर मुलाजम आते रहे, मुलाजम इन्हों डक के गए, ये डके नहीं रहे तो ये उस तरह के अं किसी पुलिस को किसी मुलाजम को किसी पटवारी को किसी गुरदौर अं कुछ नहीं जानते। जो पटवारी तो गुरदौर आपको निशानदी आते निशानदी जो मुलाजमान को गए उन्होंने कहा तुम निशानदी करा लो, जे निशानदी करा लगे हाँ निशानदी की दरखास्त दी है इन्हें साड़ी वापस करती है। ये जो बब्बे होने जाके तहसीलदार तो पटवारी दबाते हैं उन्होंने पैसा धेला दे के तो ये निशानदी नहीं हो देंगे। तो साड़ी 3 महीने तो इस तरह बहुत ज़्यादा वड्डा रट्टा चल रहा तो यह साडा ना बहुत धक्केशाही। तो मेरा बेटा कला इतने आ तो आप कल डेरे से रहते हैं तो सू वालों बहुत डर आ, खतरा है, ये अतवादी है, सू बहुत ज़्यादा खतरा इन्हों वालों। साड़ी बेनती आ इन्हों सा थां भी दवाया जाए तो साड़ी बेनती यो कि इन्हों साडे इतों ठा लिया जाए बस। पुलिस ज़्यादा कंप्लेन 2-3 वारी कर चुके हैं, बड़ी वारी कर चुके, 10 तरीक उन्होंने फेयर की आ, उन्होंने कोई भी साड़ी सुनवाई नहीं की, पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं कर दे। पटवारी कहता भी मैं आना ही नहीं है, साझा खाता मैं आना ही नहीं। पटवारी का नाम है जी नरिंदर हरजिंदर गुरदौर आते अं आना ही नहीं, हाँ साझा खाता अं आना नहीं, साडा हद ना मामला, साडा साझे खाते ना कोई मतलब नहीं है, साडा हद ना मामला। अं मंग यो करते हैं कि साडा जिहड़ा थां आ ये दवाया जाए, जो साडी कणक वड्डी आ जो ओहदा हरजा आ साडा साडी जिथों तक भी कंध जिथों तक निशानदी सानू थां साडा दवाया जाए ते बाकी जिहड़ी इहनां साडी कणक वड्डी आ ओहदा इहदा ते परचा कट्टिया जाए, जो कानूनी कारवाई बनदी आ इहनां ते कीती जाए। जगह किन्नी आ? जगह घट तो घट भी 3 करोड़ थां आऊगा सानू जी, हाँ विच जाके विच जो विचों भी कहिंदा टट्टणगियां आ वालियां, हाँ जी वह भी धक्केशाही उदों अतवाद दे वेले नाल साडे नाल इह काम कीता वा, साडे नाल धक्के नाल उदों भी कंध गाह आ गए, असीं पिछे कुछ नहीं कीता भी चल कंध पहली होई आ, इहनां विचों गला कढ के हुण गला कढ के विचों
तो फिर इन्होंने कंध दोबारा कणक वढ़ के अं उन्हें ही थां वाही जाने अं आने चल कोई नहीं लड़ाई नहीं करनी पर इन्होंने साढ़े ना धक्केशाही बहुत की आ जो भी कुछ करा रहे रमाणिया वाले तिने भरा एक मुंडे एक प्यो दे पुत सुखविंदर सुखदेव सिंह दे तिने बेटे ये साढ़े ना धक्केशाही आंदा कर लो जो करना इन्हों अंदर सुट लो मार के सुट लो तुम इन्हों अंदर सानू इन्हों वालों बहुत ज़्यादा खतरा आ पुलिस आई पुलिस की निशानदेही करा लो अं निशानदेही वाले पास जाने अं एस डीम के भी पेश होए हाँ एस एस साहब के एस एस उत्थे डी सी साहब के पेश होए हाँ सारे थां साडियां दरखास्तां वा नंबर साडे लगे बकायदा हाँ 316 साडा एस एस पी साहब के लगा वा फिर अपना इत्थे अपने डी सी के भी नंबर लगा वो दरखास्तों के उत्ते नंबर है वैसे मैनू ना याद होवे हुण 178 नंबर हुण फिर पुलिस से लगा वा एस एच ओ के पर इन्हां साडी कोई कार्रवाई पुलिस ने की नहीं हाँ जी सियासी दबाव की पता हुण सियासी दबाव हुण तो ये हुण पता नहीं जो लगता भी कि सियासी दबाव चल रहे हैं भी ये अमल तो पुलिस जो भी आ मुलाजम आ ये मैंने मेरे पैसे धेले तो कम चलन दिया इन्होंने जाके डक आते तो ये डके रेंदे बस ये मुके कोई कार्रवाई नहीं करते साढ़े तो कोई कार्रवाई नहीं साड़ी तो कोई सुनते ही नहीं ना इन्हों कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने अभी तक किले पैली है तो प्रॉपर्टियां वेखो कित्थों आईयां इन्हां दी इन्हां दी प्रॉपर्टी चेक की जाए ठीक भाई की मामला सारा ही है जो बोले सोनर पै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय जय भीम जय संविधान जय भारत दास पंकजनाथ शिरगिल चेयरमैन वाल्मीकि सरदार सभा जो कि पिंड जिजेआणी के प्रभजीत कौर पीड़ित वालों जी एक दरखास्त एस एच ओ मजीठा 10 जून में दिती हुई सी पर पुलिस वालों कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई अज फिर दोषियों वालों उन्होंने जबरदस्ती जमीन वाही गई और पहला भी उन्होंने जबरदस्ती इन्हों की कणक वढ़ के बिच जी कंध की हुई ही जिस संबंधी दरखास्त उन्होंने मानयोग डिप्टी कमिश्नर अमृतसर जी ने दिती हुई ही पर उन्हें मार करके थले डी एस पी मजीठा जी ने करती तो उन्होंने कहा भी निशानदेही लो तो फिर दोषियों खिलाफ़ बनती कानूनी कार्रवाई करा और नाल भी कहा है भी जिन्ना चिर निशानदेही नहीं होंगी दोवें धिर इस जमीन छेड़ेंगे ना ना कोई वाणगे ना कोई वरतूगा पर उन्हें डी एस पी साहब के हुक्मों की पालना ना करते हुए दोषी दोषियों वालों अज के जम जो जमीन पहला 10 जून में भी वाही गई सी जिस संबंधी दरखास्त मजीठा थाना के दी हुई है पर फिर अज फिर सवेरे तड़के उस जगह में फिर वा रहे ही जिस संबंधी असी फिर पुलिस ना तालमेल किया गया और जो असी मौके पर आके उन्होंने डक पाई आ और अं प्रशासन को मंग करते हैं कि दोषियों खिलाफ़ बनती कानूनी कार्रवाई करे और जो निशानदेही की गल है निशानदेही 2015 भी हुई ही कि पुलिस वैसे उलझा रही आ साड़ी मंग आ प्रशासन को भी दोषियों खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करो और तहसीलदार साहब नूं भी साड़ी बेनती है भी इन्हां दी जिहड़ी निशानदेही बनती आ इन्हां दी कीती जावे नहीं तो इत्थे लड़ाई झगड़ा होण दा डर आ ये परिवार नूं जान माल दा खतरा वा तो तहसीलदार साहब क्यों इन्हां दी निशानदेही रोक के डके के बैठे आ क्योंकि चौथे महीने दी इन्हां दी दरखास्त आ क्योंकि अपना सिविल प्रशासन यह भी सुत्ता पिया वा इनू भी जागन की लड़ आ भी जिहड़ा जिहड़ा अपना लोड़वंद है उहदी लोड़ पूरी होनी चाहिए जिहदे जिहदी निशानदेही आ इन्ने चिर की दरखास्त दी उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए आ अगर जे कार्रवाई ना हुई तो वाल्मीकि जथेबंदी पीड़ित परिवार के नाल खड़ी आ तो और इन्हू इंसाफ दवाऊगी जिहड़ा भी अधिकारी चाहे पुलिस का अधिकारी आ चाहे सिविल प्रशासन का अधिकारी बख्शा नहीं जाऊगा जिहड़ा अपनी ड्यूटी के कताई वरतूगा की कारण है क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही कारण यो ही ये पीड़ित परिवार आ इन्हों इन्हों की कोई वो तनाटा बंद सरकार भी तनाटा बंद होंगी आ माड़े का कौन सुन ला इन्हों हसबेंड पैरालाइज होया वा एक बच्चा वा तो एक छोटा जहा नाल इन्हों पोतरा वा जो इन्हों बहुत जान माल का खतरा ना तो इन्हों घरों निकल दिता जाता ना बाहर दिता जाता तो अपनी आवाज़ कितने जाके उठाएंगे इस करके मेरी बेनती है भी इन्हों के खिलाफ जो दोषी उन्होंने खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अज उस जगह पर खड़े हाँ जिथे संतां महापुरशां वल्लों छोटे छोटे बच्चों गुरबाणी दे नाल जोड़ लई गुरबाणी की संथ्या दिती जाती है तो ये जिहड़ी संथ्या है वह निष्काम सेवा दिती जाती है
कि वो तो वो बच्चे जेडे गुरु के लड़ लगन गुरबाणी के नाल जुड़न। तो इतने एक ना बहुत ही खूबसूरत दमदमी टकसाल वालों डेरा बनाया गया है जिथे सारी सेवा की जाती है। तो इतों यह भी पता लगा है कि यह सेवा पिंड रुमाणे के सारे मोहतबार ने रल के ये जी जगह है महापुरशों दान दिती सी। जगह जी रुमाणे पिंड की आ पिछले दिन एक बीबी वालों इल्जाम लाए गए सी संत महापुरशों से। इल्जाम बड़े घटिया, मेरी जुबान बयान नहीं कर सकती उन्हां इल्जामों बारे, क्योंकि जदों ये साबर सूरत गुरु की लाडलियाँ फौजों वेख्या जाता तो फिर जुबान अपने आप चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है। जिस तरह किसी महापुरश ने जां किसी विद्वान ने किसी के बुलों से उंगल रख दी हो बोलना नहीं। इस वेले ये हालात बने पे इन संत महापुरशों के चेहरे वाल वेख के। तो इतने संत महापुरशों ने दसिया कि गुरद्वारा साहब ने कभी किसी नाल ज्यादती नहीं की। तो मौका विखाया कि इतने गुरुद्वारे की जी रमाणे की जिजियाणी तो कोटला सुल्तान सिंह की साझी हदबंदी है, उत्थे एक ढेडा हुंदा सी। तो ये ढेडा ना मैं तुहानू दस दिया एक मिनट, आ सामने लाइन आ रही है जी, तुसीं देख रहे हो सामने लाइन आ। ये जिस जगह पर असी खड़े हाँ ये कोटला सुल्तान सिंह जिजियाणी तो रमाणे की हदबंदी है। तो जी वट सीधी आनी सी तो यह वट सीधी हुंदी हुई गुरुद्वारे की कंध तो लगभग चार कर्म की दूरी पर जानी सी। ये चार कर्म जगह संत महापुरशों वालों दस्या गया कि उस बीबी ने इस जगह के उत्ते भी नजायज कब्जा किया गया गुरु की। और देखो सिंह और जिस जगह पर खड़ा है उन्होंने ढेडा बोलते हैं पंजाबी दे विच, ते जां साडे पिंडां दे ठेठ लोग उन्होंने बुरजी भी बोलते हैं। तो ये जिहड़ी बुरजी सी इत्थों लगभग चार कर्म दूरी पर इस जगह पर आनी सी जिथे संत महापुरशों के चरण दिस रहे हैं। तो इस जगह पर कब्जा भी नजायज उन्होंने किया होया है। बाकी ये जगह जिजियाणी की नहीं रुमाणिया के पिंड की जगह निकली आ। तो आओ संत महापुरशों नाल गल करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी आ तुसीं देख रहे हो जो खूबसूरत निशान साहब से यह जिहड़ा डेरा बनया गुरद्वारा फरमान साहब। ये गुरुद्वारा बनाने का मकसद सी यही कि आ जिहड़ा एरिया सी ये सिखी तो बहुत दूर हुंदा जांदा सी ते अक्सर सिखां दे घरां विच बच्चे जिहड़े वो पतत पुणे का शिकार हो जांदे सी। फिर दमदमी टकसाल जथा पिंडरा महता तो चल के संतां ने आके ते कुछ रमाणे दे सूझवान लोगों ने बेनती की संतां नूं कि संत जी साडे वी इलाके विच आके कोई इहो जिहा सेंटर खोलो जिथे लोगों नूं गुरबाणी नाल जोड़िया जावे ते बच्चियां नूं गुरबाणी दी संथ्या दित्ती जावे। तो जिस तरह पहलों संत बाबा ठाकर सिंह जी दस चुके आ विच ही खड़े इन्हां बच्चों के, आ छोटे छोटे बच्चे आ जी इन्हां नूं निष्काम गुरबाणी की संथ्या करवाई जा रही है, गुरबाणी नाल जोड़िया जा रहा है। पृथक नूं प्रमाण की लोड़ नहीं है, तुसीं वीडियो दे विच दे सकदे हो। तो मेरा ख्याल है कि जे किसी की निजी जगह भी होवे तां इस मकसद लई जगह जिहड़ी उह दान कर दित्ती जाणी चाहीदी है। सांझी जगह तां बहुत दूर की गल, जिस तरह पिंड दे मोहतबर सज्जणा वल्लों दस्सिया गया कि पंचायत की जगह सी ते पंचायत ने बिना किसी इतराज के बाबा जी ने यह जगह दे दी है, क्योंकि बाबा जी एक महान कार्य कर रहे हैं। इस कार्य वास्ते भी जी जगह दी गई थोड़ी है। तो आ छोटे छोटे बच्चे एक बार वेखो गुरबाणी की संथ्या लै रहे हैं। इन इन दे विचों कई बच्चे यहोजे भी है जिन्हों अकाल पुरख ने माँ प्यो की छत भी शाम ही इन्हों खोली है, पर बाबा जी उन्हों का माँ भी बनते हैं तो उन्हों का प्यो भी बनते हैं। इन बच्चों गुरबाणी की संथ्या ही नहीं दी जाती। नेड़ले पिंड कोटला सुल्तान सिंह विखे श्री दशमेश पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल तो बच्चों पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के तहत भी सिक्ख्या दवाई जा रही है। इन्होंने बच्चों का जीवन पद्धर उच्चा कर ली दिन रात कोशिशा कर रहे हैं महापुरश, तो रुकावट पाने वाले अजे भी रुकावट पाई जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है भी किसी भी बंदे इन्ना मतलब ही नहीं होना चाहिए कि सांझे कार्य वास्ते दी गई जगह जी है उस उत्ते भी अपने हक जिता जे तो उन्होंने जगह है तो कानून का सहारा लै सकते सी। तो मेरे ख्याल है कि संतों के उत्ते यहोजे इल्जाम लाने कदे फीम का कदे चरस का कदे नजायज असले का पता नहीं किन्ने के इल्जाम ला दिते गए। पर इस इलाके सानू भी विचरद लगभग उम्र ही होगी 52-53 साल होगी 25-26 साल तो यह डेरा जिहड़ा होंद विच आया, कभी भी किसी ने इस डेरे वल उंगल नहीं की। जदों भी कोई इस डेरे गाड़ी लंघता तो शरदा के नाल सिर अपने आप झुक जाता, क्योंकि इस डेरे के उत्ते गुरबाणी का प्रचार होंदा, बच्चों गुरबाणी के नाल जोड़िया जाता। पतत पुणे के शिकार होए बच्चों मुड़ लीह ते लिया के गुरमुखी दे विच गुरबाणी सिखाई जाती है। एडा महान कार्य संत बाबा ठाकर सिंह जी इस वेले सेवा करवा रहे हैं जी कि वाहिगुरु ने तरस करके इन्हां तों ये वड्डी सेवा लई है। उस्ताद अनोख सिंह जी उन्होंने ये शागिर्द है जी, वो यूएसए दे विच दस्या गया कि इस वेले ने
यूएसए भी वड्डे लैवल से सिखी का प्रचार चल रहा उस्ताद अनोख सिंह जी का, बाबा जी ठाकुर सिंह जी खड़े आ जी। तो मेरे ख्याल है कि सानू आ प्रतख देख के मेरे ख्याल है कि सानू इन गल्लां दे विच नहीं आना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संत जी की डिस्प्यूट है जी इस जगह का? सब तो पहला तो सानू दसो भी तुसी अपना नाम दसो, उन्हां महापुरशां दा नाल दसो जिहड़े ये महान कार्य कर रहे हैं इत्थे बच्चों गुरबाणी दे नाल जोड़न लई। मेरा नाम जी है जय ठाकुर सिंह, दमदमी टकसाल के विद्यार्थी हाँ। तो इस स्थान दे जिहड़ा बाबा फुलवाणा जी जिन्हों आम संगतां कहिंदियां गुरद्वारा फरमान साहब रमाणा चक नेड़े पिंड है जो जजे आनी है, इत्थे 2009 तो लै करके दमदमी टकसाल दे जो उस्ताद हैं उस्ताद अनोख सिंह जी ते दास नूं तो इत्थे इलाके दे विच बच्चियां नूं विद्या पढ़ाउण वास्ते ये जिहड़ा स्थान दिता गया सी, सतगुरां दी कृपा दा सदका ये जिहड़ा है इत्थे सेवा चल रही है। ये इतिहासक स्थान भी है भाई फेरू जी का। तो इस स्थान पर सेवा चलते 2009 तो पहलों चलते बाबा दर्शन सिंह सी जेडे कथू नंगल वाले, उस तो बाद बाबा निर्मल सिंह जेडे हैं कार सेवा वाले हजूर साहब वाले, उन्हें भी आन करके इस स्थान की जो सेवा करवाई सी 2009 तो लै करके इतने सेवा हो रही है। तो जो इस रमाणा चक की हादते आ जो आप जी ने यह नक्शा जरा दिखाया जा रहा है, इस नक्शे आ जी बुरजी आ उधर जोड़ा है एक पिंड का बुरजी है जी तिना पिंड की हद जे रमाणा चक कोटला सुल्तान सिंह अते जजे आनी दी, दूजी जड़ी आ वह बुरजी की आ सेहत जड़ी आगी देख लो कि बुरज 9 बाद और सामने पिंड कई बार इन्होंने बाबा दर्शन सिंह जी बाबा निर्मल सिंह जी के उपर झूठिया दरखास्तां दित्तियां सन, पर इन्हां नूं उन्हां ने भी अते दमदमी टकसाल दे जे उस्ताद अनोख सिंह जी ते दास ने भी यही कहा है कि जे तुहानूं किसे प्रकार का कोई शक है तो तुसीं अपनी जिहड़ी निशानदेही करवा लो, पर इन्हां ने जदों भी निशानदेही वास्ते इत्थे कोई ना कोई जिहड़ा है चौकीदार आउंदा रहा, क्योंकि ये रमाणा चक दे किसी भी सरपंच मैंबर सबन किसी भी जिम्मेवार दे किसी दे भी कोई सैन नहीं ते ना ही उन्हां दा नाम सी। ते इन्हां नूं यही कहा गया सी कि तुसी रमाणा चक अते जजे आणी दे जिहड़े सरपंच जिन्नी पंचायत दे मैंबर आ उन्हां दोवां दे नाम जिहड़े सारिआं दे लिख करके सैन कराओ, ते सानूं इहदे विच कोई तराजगी नहीं है तुसी अपनी निशानदेही कराओ। पर इन्हां ने कई बार दरखास्तां दित्तियां जड़ियां हन, पर दरखास्त देने तो बाद ये मुड़ के जे थाने असी जाना तो इन्हें आखना सानू काम पै गया, मजीठे थाने भी असी कई बार गए और इन्होंने कल 16 तरीक जड़ी आ उस 2 महीने हो चुके हैं SSP साहब दे माल मंडी इन्होंने दरखास्त पाई सी, सानू उन्होंने 16 तरीक जड़ी है उस तरीक नू सद्या सी उत्थे उत्थे जो डिप्टी साहब सन उन्होंने जदों दोवां तरां दी विचार सुनी है तो उन्हां नूं यही कहा गया सी कि तुसीं जे इन्हां नूं शक है तो अपनी जमीन की जिहड़ी आ उह निशानदेही करवा लैण, पर यह आ भी रमाणा चक अते जजे आणी की जिहड़ी दोवें पंचायत दे मैंबर सरपंच आ उन्हां दे नाम ते उन्हां दे सैन करवा करके कराउण, जे जिहड़ा है थां इन्हां दा आवे तो साडे ते कारवाई की जावे, जे इन्हां दे वल दूजा रमाणे चक का थान निकलता फिर इन्हों के वाल कार्रवाई की जाए। जी कंध है वह कंध सब तो पहला फोटोआं दे विच भी हैगी, सब तो साढ़े आने तो पहलों संगतां ने जिन्हां दे विच चैंचल सिंह की फोटो जी विच भी हैगी आ, वह कंध साढ़े आने तो 4 दुवारी पहलों हुई आ, तो यह बाद जी सारी की गई है जिन्नी भी बिल्डिंगा की हुई सारी सारी। तो उत्थे उन्होंने सानू ये जिहड़ा फैसला दिता सी कि 2 महीने का टाइम दिता जो कल 16 तरीक न जरा 16 जून पूरा हो चुका है, तो आ चैंचल सिंह की आ जी फिर होर भी मौत बाद जड़े 30 साल पुरानी फोटो जे आदे आ जरा चैंचल सिंह आ जी आदि फोटो जे आ जी निशान साहब चढ़िया होया आ कंध पिछले पासे जा वेख सकते
इन्होंने जी बाद ढा दी सी। होर भी संगतां दीआं जिहड़ियां फोटोआं जिहड़ा सेवा कराई आ, फिर जदों एस एस पी साहब दे उन्होंने दो महीने का टाइम दिता इन्होंने, चार महीने होने छब्बी जून चार महीने होने जो टाइम दिता, दो महीने दिता तो चार महीने हो गए, तो उसते इन्होंने कोई नश फिर आन करके ना मजीठे थाने जेड़े ए एस आई आ बलदेव राज उन्हां कोल फिर आन करके दरखास्त दी। असीं दो वारी गए तो इन्होंने कहा साढ़े कोल टाइम नहीं हैगा, सानू कम पै गया। ये डिप्टी साहब दे भी इस तरह ही कहिंदे रहे आ। ते उत्थे जदों एस एस पी साहब दे डिप्टी साहब दी जिहड़ी ड्यूटी लाई सी उन्होंने जदों दोवां धिरां नूं पुछया गया है तां उहदे विच इन्हां ने जदों इन्हां ने पहलों छे महीने का टाइम मंगदे सी, फिर यह जिहड़ी प्रभजोत कौर आ इह कहिंदी एक महीने का लैणा, फिर डिप्टी साहब ने दो महीने का टाइम दिता भी दोवां महीनों के विच जिहड़ा है तुसीं अपनी निशानदेही करवा लो। ये उस टाइम दे जिहड़ा डिप्टी साहब दे सामने कि इन्हां दे सीधा कहिंदे सी परचा करो, वह कहिंदे सी भी जदों जे तुहाडा थां ना गलू फिर असीं कानूनी कार्रवाई करांगे, पर जदों जे तुहाडा थां ना लिखे फिर असीं नजायज़ किसी के उपर परचा नहीं कर सकांगे। तो ये आप खुद जिहड़े हैं ना 2012 की लगभग गल आ, इन्हां ने पहलों माल महकमे जिहड़ा दरख्तों वाले आ उन्होंने गार्ड नूं कहा सी ये तुहाडे रुख वढ़दे आ, ते फिर असी 12 बजे जिहड़ा है वह इन्हां नूं रुख जिहड़ा है प्रभजोत कौर है यदा लटका तो एक होर सी इन्हां दोवां नूं पकड़िया और गार्ड नूं असी एक आरा ते एक आरी सबूत दिते आ भी असीं तुहानूं पता लग जावे कि चोरी कौन करदा सरकार दी। जिहड़ी इत्थे इन्हां ने बुरजी ढाई आ ये भी इन्हां दे बणदा है 420 दा परचा बणदा है, क्योंकि ये निशानदेही कर करके बुरजी है ना सरकारी बुरजी ढाई हुई आ। इस वास्ते आप ते जिहड़ा ये आप नित दा शराबी आ, भावें पोस्टमास्टर भी इन्हां दा कराया जावे ये जिहड़ा चैंचल आ ये नित दा शराबी आ। इस करके चंगियां नूं इत्थे जिहड़े छोटे छोटे विद्यार्थी रहिंदे हन पढ़ते हैं गुरबाणी की संथ्या करते और स्कूलों के भी जाते उन्होंने भी आंदियां जांदियां नूं ये मंदे बोल गालां बोलता है और कई बार इन्होंने लड़ाई करने का यतन किया। असी इन्हों यह समझा भी तुहाडा साडे नाल कोई वास्ता नहीं, असी रुमाने चकदे हां जिहड़े उन्होंने नगर वासियों ने सानू सेवा दी आ, जे तुहानू कोई किसी गल का शक है साडी पैली का तो तुसीं निशानदेही कराओ, ये हर गल तो इस तरह भजदे आ। ते जो इन्होंने भाई सुखविंदर सिंह भाई परमिंदर सिंह अते भाई संदीप सिंह जी के उपर झूठे दोष लाए हैं, सो वो गुरु घर दीआं होर भी संगतां आण करके सेवा करदीआं हन। सो इस वास्ते फिर इन्होंने जो इत्थे नशियां दा होर आदि कर इस गुरद्वारे के अंदर दमदमी टकसाल के जथे दे विच भावें कोई भी समागम चले, हुण 20 जून नूं समागम होना है, इत्थे संगतां वास्ते भी गर्म जल बनदा, कोई चाह दा तक नहीं वरतों की जाती। सो इस वास्ते जिहड़े झूठे इन्हां ने जे इल्जाम लाउंदे हां कोई नशियां दा कोई हथियारां दा, सो एक बार दरबार दे दे विच जिहड़ा दरबार दा मटीरियल सी वह बाहर असी उसे जिहड़ा रमाण चक दे थां दे विच सुट्टन लगे, इन्हां ने जिहड़ा है वह अपनी जिहड़ी आ रफल दुनाली जिहड़ी आ कढ करके कहिंदे गांव असी गोली मारांगे। सो फिर ये पता नहीं उहनां कोल संसी आ जां नजायज़ आ। सो डेरे दे विच जिहड़े रवायती जिहड़े हन गतके दे शस्त्र जिवें कृपाण होई तां इस तरह ये आदिक हन, सो ये गुरमत दे विच है। सो इस वास्ते झूठियां ही ये दरखास्तां दे करके आप ये किसी भी थाने दे विच जो जां प्रशासन दे उपर भी झूठा इल्जाम लाउंदे ने कि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, सो प्रशासन दे कोल जदों सच सबूत जाएगा तो प्रशासन उही गल नूं मन्नेगा। सो इस वास्ते इन्हां दी जिन्नियां भी इन्हां ने वीडियो दे विच ही पाईआं, असीं पत्रकारां नूं भी फोन कीते सी ते उन्होंने अगों चुके नहीं आ, एक पक्ष ही उन्हें लै करके तो यह जिहड़ा वीडियो जिहड़ी आ झूठी वायरल की थी आ। सो असी ये मंग करते हाँ प्रशासन दे कोलों भी सरकार दे कोलों भी कि जिहड़ा ये इन्हां दे उपर मानहानि का केस पाया जाए, क्योंकि ये जिहड़ा एक गुरु की बाणी पढ़न वाले सिमरन भजन करन वाले सो गुरद्वारा गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश विखे संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखों के जो समा उस्ताद अनोक सिंह जी ने जिहड़ा गुरबाणी की संथ्या की और बेअंत हज़ारों विद्यार्थियों नूं पढ़ाया, दास ठाकुर सिंह ने भी उस्ताद अनोक सिंह जी तो संथ्या की उत्थे पढ़ाउण दी जिहड़ी सेवा रही आ। सो इस वास्ते इत्थे भी यही जिहड़ी सेवा चल रही आ, निष्काम सेवा चल रही आ। इन्हां नूं ये कारण जिहड़ा हुण इन्हां ने यह मुद्दा चुकिया है क्योंकि 1984 दे जिहड़े शहीद हो चुके हन सिंह भाई अमरीक सिंह भाई शबेग सिंह जी बाबा अठारा सिंह जी और महापुरखां संत बाबा जरनैल सिंह जी जो दमदमी टकसाल के 14वें जथेदार हैं,
सो वो जड़ा है उन्होंने चढ़ती कला के वास्ते इतने समागम किए जाते हैं। इन्हों गुरमत जोड़े समागम हो रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे बच्चे जोड़े हैं वो जड़े विद्या प्राप्त करते हैं। भाई परमिंदर सिंह जी जदों असी 2009 दे विच आए हाँ, इन्हां दे पहलों जड़े केस कटे होंदे सी हुण साबत सूरत हैं और अमृतधारी गुरसिख हैं। इस तरह होर भी जड़े हैं लागे नेड़े लेंदे गुरलाल सिंह, सो उन्होंने भी अमर छक है। इस तरह सारे इलाके दे विच जड़ियां संगतां अमर छक दियां गुरमत नाल जुड़दियां, इन्हां दा किसी भी धर्म दे नाल कोई संबंध नहीं आ। सो ये सिर्फ इसे चाहुंदे आ भी इत्थे चोरे डाकियां होण और किसी का इस तरह भी किसी का भला ना हो सके। सिंह इतों जड़े चले जाण क्योंकि इन्हों के कोई वास्ता नहीं ये रमाणे चकदा जी जगह है, तो इस वास्ते इन्हों भी इतने सिखी का प्रचार ना हो जो कथा होंगी आ गुरमत छोटे छोटे बच्चे सिखद इलाके आन करके। सो जड़ा इन्होंने भाई सुखविंदर सिंह जे कोटला मझा सिंह दे अमृतधारी गुरसिख हैं, रहत दे चार प्रचार सेवा दे भी लगते हैं और झूठे जड़े सारिया के नाँ उपर लाते हैं। सो इस वास्ते साड़ी सरकार दे कोलों और प्रशासन दे कोलों यही इन्हों मंग है कि इन्होंने जेड़े झूठे जड़े हैं इल्जाम लाए हैं वो बेबुनियाद हैं और इन्हें बनती हुई कार्रवाई की जाए क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं इस गल तो भज गए हैं। बाकी जड़ा इन्होंने जे तहसीलदार के उपर पटवारी के उपर नरेंद्र कुमार के उपर इन्होंने दोष लाया है कि उन्होंने पैसे लाए हैं। सो इन्हों साबित करना पवेगा कि जेडे इन्हों को नजायज़ हथियार कड़े हैं क्योंकि किसी के उपर नजायज़ जड़ा दोष लाना है वो हैगा मानहानि का केस बनता उन्होंने उपर। सो इन्होंने तहसीलदार के उपर भी झूठे दोष लाए कि उन्होंने वड्डियां लईयां किन्ने पैसे ले आ, ये बिल्कुल पटवारी के उपर भी, तो ये आप जिहड़े हन इस गल तो भजदे हन जदों इन्हां नूं ये गल कही जाती आ कि तुसीं रमाणा चक दी जिन्नी मौजूदा पंचायत है अते जजेयाणी जिहड़ी पंचायत है क्योंकि ये हद है इत्थे ते इन्हां दोवां दे जिहड़े हन वह नाम लिख करके बकायदा सैन करा करके जदों मर्जी निशानदेही कराओ, पर इस गल तो ये वार वार जिहड़े भज जांदे हन। सो इन्हां दे उपर कानूनी कार्रवाई की जाए जिहड़ियां झूठियां वीडियो पा करके सो जिहड़ा है परेशान करदे हन बाणी पढ़न वालियां नूं। सो ये साडी सारिआं दी जिन्ने भी जथेबंदी दे गुरसिख हन होर भी इलाके दीआं संगतां जिन्नियां भी आईआं हन ये सारिआं दी इहो मंग आ कि इन्हां दे उपर कानूनी कार्रवाई की जाए जो झूठियां दरखाशां और झूठे जड़े हैं इल्जाम लाते हैं कभी हथियारों के कभी नशे दे। सो इस प्रकार इन्हों जड़ा ये जड़े गाला कटते हैं जो मंद शब्द बोलते हैं उन्होंने भी उपर इन कार्रवाई की जाए। अच्छा संत जी, यदा कोई कोर्ट केस भी चलता जगह का कि थाने तक की दरखास्त है जी ये जड़ा इन्हों का नहीं कोर्ट के कोर्ट के कोई नहीं जी केस कोर्ट के कोई केस नहीं जी जदों भी इन्हों कहा जाए निशानदेही भी करवाने वास्ते कानूनी तौर पर यह आ कि जिथे हद की जी जिथे लकीरबाजी जब जे इन्हों की जमीन घटती है तो जजेयाणी जिहड़े हैं पिंड दे विचों इन्हों का रकबा पूरा किया ना कि रमाणे वाले ने करना। इत्थे जिहड़ा गुरद्वारा साहब एक होर सो जिहड़ी आ बेनती की जाती है कि इत्थे तिना पिंडां दी हद जिहड़ी आण करके इत्थे खत्म हुंदी आ कोटला सुल्तान सिंह दी जजेयाणी दी और रमाणा चक दी इत्थे हद आण करके सारी खत्म हुंदी आ।